मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनके, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। क्या हुआ? सैया से डायरेक्ट भैया? यार आज की लड़कियों का पता है प्रॉब्लम यही है, आप उसे पसंद करते हो, लाइक करते हो और उसने आपको कह दिया भैया या फिर फ्रेंड जोन कर दिया। ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है ना, आई नो। इसीलिए पता है ये मेरे चैनल का सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो में से एक था कि कोई लड़की अगर उसे मुझे भैया बोलती है तो मैं उसे गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊं। हाँ, बहुत सारे लड़कों का ये प्रॉब्लम होता है, आप उसे लाइक करते हो और उसने कहा भैया, दिल टूट गया। यस आई नो, बहुत बुरा लगता है। अब बुरा लगता है तो क्या, लड़कियों को कोई आज तक समझ पाया है? नहीं पाया ना। तो सिंपल भाषा में आज मैं आपको समझा सकती हूँ कि कोई लड़की आपको भैया क्यों बोलती है, और इसका सॉल्यूशन भी मैं ले आई हूँ। यस, कि कोई लड़की अगर आपको भैया बोलती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप इसको अपने प्यार का इजहार करोगे कि उसे बुरा भी नहीं लगे, वो मान भी जाए। यस, मैं लेके आई हूँ। तो इतना बड़ा टॉपिक है ना यार, मैं इतना खोज के लेके आई हूँ, प्लीज एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात पे जो नंबर वन आता है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी लड़की आपको भैया बोलती है, इसके तीन रीजन होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो पहले रीजन पे आते हैं फ्रेंड्स। जो मेन रीजन होता है कि कोई लड़की आपको भैया बोलती है, वो होता है कि वो आपसे एज में बहुत छोटी है। यस, वो आपसे बहुत एज में छोटी है, या फिर वो आपसे जूनियर है, वो आपसे स्कूल में कॉलेज में जूनियर है। इस वजह से उसे कुछ और ऑप्शन नहीं होता भैया छोड़ के बोलने का, इसीलिए वो आपको भैया बोलती है। ये हो गया नंबर वन प्रॉब्लम। अब इसका है सॉल्यूशन। अगर देखो फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में कोई अगर आपसे एज में बहुत छोटी है ना और वो आपको भैया बोल रही है, तो उसमें ना आप लाइन मत मारो, क्योंकि वो एज में बहुत छोटी है, वो जैसा बोल रही है उसे बोलने दो, ये सबसे अच्छी बात है। अब नंबर टू है, वो आपसे जूनियर है, उतनी छोटी नहीं है, हाँ आप दोनों का कुछ बन सकता है, वो आपको भैया बोलती है। इसका पता है एक ही सॉल्यूशन है, आप उसे क्या करो, आप उसे बोलो कि यार देख, सीधा बात है, सीधा जाके उसे बोलो कि तू मुझे भैया मत बोल, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मुझे भैया मत बोलना। अब देखो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती होगी या फिर उसके दिल में थोड़ा सा भी कुछ होगा ना, आपके ऊपर फीलिंग आएगा, तो वो आपको भैया नहीं बोलेगी। नेक्स्ट टाइम कुछ भी ना बोले पर भैया नहीं बोलेगी। अब देखो, बार बार दिल जलाने से अच्छा है कि एक बार दिल टूटवा ही लो, या फिर हो सकता है कुछ आगे बात बन जाए। ये हो गया नंबर वन। नंबर टू में होता है कि किसी लड़की को पता होता है कि आप उसे लाइक करते हो, और वो भी कहीं ना कहीं जानबूझकर आपको लाइक जरूर करती है अपने दिल से, लेकिन फिर भी भैया बोलती है। यस, आप बोलोगे लाइक कर दे तो भैया बोलती है। जी हाँ, पता है क्यों? क्योंकि हम लड़कियों को ना अगर पता होता है कि कोई उनको लाइक करता है और उसको जलाने में बहुत मजा आता है, उससे भाव खाने में, और वो बहुत अच्छे से जानती है कि आपका दिल जलता है जब जब आपको वो भैया बोलती है, आपको बहुत हर्ट होता है, लेकिन वो फिर भी आपको भैया बोलती है, लाइक करती है फिर भी। आप उसको जाके सेम वन नंबर वाला मत करना, नहीं तो वो और भाव खाएगी। ऐसे ही वो भाव खा रही है, जानबूझ के बोल रही है, तो अब अगर नंबर वन करोगे तो भाव खाएगी और आपका, तो इसीलिए उसको आपको भी जलाना है। यस, अगर आप उसको जलाओगे ना, तभी उसकी दिल की बात जुबान से आएगी। आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि ठीक है बहना, जब जब वो आपको भैया बोले ना, आपको बोलना है अच्छा बहना, ठीक है बहना, बहना बहना। आप पता है क्या होगा, उसके दिल में भी ना बहुत जलन होगी, उसको बहुत दर्द होगा, वो कुछ नहीं बोल पाएगी, और नेक्स्ट टाइम से वो आपको भैया नहीं बोलेगी, एकदम नहीं बोलेगी। और नंबर तीन पर आता है कि कोई लड़कियां होती है ना बहुत चालाक होती है, अपना बस फायदा देखती है, और पता है सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़कों को घुमाती है, और देखते हैं कि हाँ ये बंदा जो है मेरे बहुत काम का, इसे घुमाती हूँ, आपसे नीचे नीचे बातें करेगी, आपसे हेल्प लेगी, ये कर दो, यहाँ छोड़ दो, मतलब आपसे लेती रहेगी आपका हेल्प, और फिर बदले में कुछ नहीं, जब काम हो गया तो भैया
भाई जोन या फिर फ्रेंड जोन कर देगी। ये आजकल की लड़कियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब बेटा देखो, इस यूनिवर्स का है ना एक रूल को समझो, टेक एंड गिव का रूल चलता है। इस यूनिवर्स में टेक एंड गिव का रूल चलता है, यानी आप उसे कुछ दे रहे हो तो वो भी बदले में आपको कुछ दे रही है। कुछ भी हेल्प कर रही है, लेकिन ऐसा कर रही है। लेकिन अगर ऐसी लड़की नहीं है ना, बस ले रही है, तो वो लड़की एकदम अच्छी नहीं है, उससे आप दूरी बना लो। और अगर ऐसा है कि वो भी आपको कुछ दे रही है, फिर भी आपको वो भाईजोन करके रखी है, मतलब कि पता नहीं उसमें आप ही का गलती है कि आपने उसे कुछ ऐसा गलती कर दिया कि वो भाई बोल दिए, तो आप नंबर वन वाला रूल फॉलो करो, उसको जाके बोलो कि देख मैं तेरा भाई नहीं लगता, कुछ भी हूँ मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मैं तुझे लाइक करता हूँ, भाई मत बोल। आई एम 100% श्योर वो आपको नेक्स्ट टाइम से भाई नहीं बोलेगी, और बात भी करेगी, अच्छे से बात करेगी, ट्रस्ट मी। और फ्रेंड, और एक बात, क्या 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 होता है कभी कभी, लड़कों के वजह से ही उन्हें भाई जोन किया जाता है। यस, क्या होता है ना, कोई लड़के इतने ज़्यादा पोलाइट होते हैं, उन लड़कियों से इतने अच्छे से बात करते हैं कि लड़कियां उनसे भाव दे देती हैं। अब आप कहोगे कि क्या लड़कियों से अच्छा से बात नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, किसी भी लड़की का रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो आपकी फ्रेंड है, कुछ भी है, तो हल्का हल्का फ्लर्ट भी करो। आप उसे फ्लर्ट करोगे तो आप उसे मौका ही नहीं दोगे भाई बनाने का, वो समझ जाएगी। इसलिए फ्लर्टिंग करना भी बहुत जरूरी है, कि फ्लर्ट करना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी अगर वो आपको भाई बोल रही है, तो आपको समझना चाहिए आपकी कुछ गलती है, आप जाकर उससे बात करो। क्योंकि मैं पहले भी आपको यही बोली कि बार बार दिल जलाने से अच्छा एक बार दिल टूटवा लो, ये ज्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 रीजन कि कोई लड़की क्यों आपको भाई बोलती है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो के बाद आपको ये समझ गया होगा, और आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इससे बाहर निकलना है। निकलना तो आप ही को है। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, एक अच्छे टॉपिक के साथ, आपके लिए हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा देना। यस, घंटी बजा देना, ताकि जब मैं कुछ नया वीडियो लाऊं आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, आई मिस यू, एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी, बाय।